गुड मॉर्निंग। तो आप सबका स्वागत है ब्लैक मैजिक ऑफ शॉर्टिक्स में। एक बड़ा अच्छा सा एपिसोड ये चालू है जिसमें देखें बहुत शॉर्टिक्स में ऐसा क्या जादू जो एग्जाम में आता है इसको करके क्वेश्चन कर पाए। तो इसी पे देखिए इस एपिसोड में क्या किया, टॉपिक रखा है मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द ट्रिग्नोमेट्री। इसके तीन क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे। पहला क्वेश्चन कहता है 3 tan² थीटा प्लस 7 cos² थीटा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। सेकेंड क्वेश्चन कहता है 6 sec² थीटा प्लस 24 cos² थीटा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। एंड थर्ड क्वेश्चन कहता है cot² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 5 cos² थीटा प्लस 3 sec² थीटा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। देखो इसको करने के कई सारे तरीके हैं, कुछ लोग इसमें यूज करते हैं अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन, और ये अलग अलग वैरायटी से क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन देखिए इन क्वेश्चन में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, वही आज का ब्लैक मैजिक है। तो शॉर्टिक्स का ब्लैक मैजिक क्या पॉइंट देखिएगा, इसमें ऐसी क्या चीज है जो कॉमन है। पहले बात लिख दे, तीनों के आंसर आएंगे इनफिनाइट। देखो बिना कॉपी पेन के हमने आंसर लिख दिया, फिलहाल तीनों के आंसर आएंगे इनफिनाइट। अब वो मैजिक क्या है बस वही देखने वाला है। इफ इन द क्वेश्चन देखिए 6 trigonometric ratios होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा एंड टेन थीटा। तो जो पॉइंट है वो नोट करने वाला है, अगर किसी क्वेश्चन में 4 signs में से कोई भी आ जाए, कौन कौन सा, सेक थीटा कॉमा कोसेक थीटा कॉमा टेन थीटा या कॉमा कॉट थीटा, अगर इन 4 ratios में से कोई भी एक रेशो, 2 ratio या 3 या 4 हो, यानी कोई भी एक चीज अगर क्वेश्चन में दिख जाए और वहां पे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो आंख बंद करो, इनफिनाइट लिख दो, क्योंकि ये चारों वैल्यूज ऐसी हैं जिनकी मैक्सिमम वैल्यू इनफिनाइट जाती है, और इनफिनाइट में कुछ भी जोड़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफिनाइट ही रहता है। तो याद क्या हो गया कि कभी भी क्वेश्चन में अगर सेक हुआ, कोसेक हुआ, टेन हुआ या कॉट हुआ, कोई भी एक दिख गया तो ऑलवेज मैक्सिमम वैल्यू इनफिनाइट होती है। यहां देखो कौन दिख गया, सर टेन थीटा दिख गया, मैक्सिमम हो गया इनफिनाइट, कॉस से कोई मतलब नहीं। यहां देखो सेक दिख गया तो मैक्सिमम इनफिनाइट हो गया, कॉस से कोई मतलब नहीं। यहां क्वेश्चन में देखो कॉट भी है, सर कॉसेक भी है, सेक भी, तीनों है, तो तीनों को इनफिनाइट प्लस इनफिनाइट प्लस इनफिनाइट करते तो आंसर तो इनफिनाइट ही रहता है। तो देखिए ट्रिक अच्छी लगी तो इस ट्रिक को आगे से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें जिससे ये ट्रिक पहुंच जाए। तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऐसे ही ब्लैक मैजिक ऑफ शॉर्टिक्स लेकर हम लोग अक्सर जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।